मैं आपके साथ एक नया वीडियो शेयर कर रहा हूँ और ये सिविल सेवा के जो कई सारे जो स्टूडेंट्स थे उनके रिक्वेस्ट थी कि मैं एसए के बारे में बताऊँ कि एसए कैसे लिखा जाए, अच्छा एसए क्या होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिलाए जाएँ। एसए सिविल सेवा परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसमें ज़्यादा नंबर आप लाते हैं तो आप रेस में आगे निकल जाते हैं, वहीं आपका अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको पीछे हो जाते हैं। और चूंकि रिटर्न एग्जामिनेशन में एक एक नंबर की वैल्यू होती है तो अगर आप 40-50 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करते हैं तो आप रेस में बहुत आगे हो जाते हैं। ऐसे लिखना एक कला है और उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। इस जो बातें आज मैं बताऊंगा उसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो पुराने टॉपिक्स में होंगी और उन वीडियोस को अगर आप दोबारा देखेंगे तो उन बिंदुओं को आप समझ पाएंगे। ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं तीन चरणों में आपको बता रहा हूँ। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा जो ऐसे है जो निबंध लिखते हैं, निबंध लिखते समय आप उसका विषय का चुनाव कैसे करें, आप कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें कि एग्जाम में अगर 5 या 6 टॉपिक्स आए हैं तो आपको किस टॉपिक पर लिखना है। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना। तीसरा आपको ऐसे लिखना कैसे। अगर आप तीनों करते हैं तो इसी चीज से 15 से 20 नंबर का डिफरेंस हो जाता है एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस में। सबसे पहले आप टॉपिक का चुनाव कैसे करें, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि 2006 में मैंने सिविल सेवा का एग्जाम दिया था, उस समय इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया था और फाइनल अटेम्प्ट में जब मैंने सिविल सेवा की परीक्षा में आईएएस मुझे मिला तो मैंने पंचायती राज के ऊपर ऐसे लिखा था। मैं बेसिकली ऐसे ऐसा लिखने की कोशिश करता था जिन टॉपिक्स में सब्जेक्टिविटी कम हो। कई कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मुहावरे के शेप में रहते हैं और अगर आपने उस मुहावरे को गलत तरह से समझ लिया तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं और आपके मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने हैं। अगर आपके पास 4 टॉपिक्स हों, अगर एक आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में आ जाए, एक आपको आ जाएगा कोविड के बारे में अगर आपका ऐसे आ जाए, एक आ जाएगा महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट में कोई टॉपिक आ जाए, एक आपके पास आ जाए कि कोई ऐसा मुहावरा आ जाए जो जिसके जो आया हो, तो मेरा ये मानना है आपको आप क्वेश्चन पेपर में उस सभी विषयों को 3 से 4 बार पढ़ें। कई बार जो ऐसे होते हैं वो प्रश्नवाचक प्रकार से भी पूछे जाते हैं तो उस प्रश्न को आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली वो है क्या और उसको लार्जर इशू में समझने की कोशिश करें। ऐसे का पूछने का मतलब ये है कि हाल फिलहाल में किसी ना किसी बात में वो बातें इंपॉर्टेंस में आई होंगी और उन बातों का जो इंपॉर्टेंस है उसी इंपॉर्टेंस को आपको कहीं ना कहीं दिखना है। तो जब हर टॉपिक को आप इसके लिए 5 मिनट आप अलग से निकालें, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 5 मिनट केवल इस बात पर कि आपको ऐसे कौन से लिखना है, क्योंकि एक बार आपने ऐसे लिख लिया तो ऐसे चेंज तो नहीं कर सकते एग्जाम में। तो आप उनको कई बार पढ़ें, उनको देखें, फिर आप अपने मन में एक सोचें कि अगर 2 टॉपिक्स पे अगर आपकी सुई रुक जाती है तो आपको ये देखना होगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं या उस विषय के बारे में आपको नॉलेज ज्यादा है या रिसेंटली आपने कोई इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। तो पहला हो गया आपका टॉपिक, आपका अगर सेलेक्ट कर लिया है उस टॉपिक के सेलेक्ट करने के बाद आपकी 20% लड़ाई ओवर हो जाती है, आपको पता है कि मुझे लिखना क्या है। उसके बाद आप तसल्ली से जिस टॉपिक को आपने लिया उसको फिर 2 मिनट दीजिए और 2 मिनट उसको एक एक शब्द को अंडरलाइन करिए। अगर 10-12 शब्दों का है एक एक शब्द को अंडरलाइन करिए, उसका मतलब सोचने की कोशिश करिए, अंग्रेजी में पढ़िए उसको, इंग्लिश और हिंदी दोनों और या कई और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी ऐसे का प्रश्न पत्र आता है उसको पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, कई बार इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा, हिंदी में आपका मतलब कुछ और होगा, जब दोनों भाषा में पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली यही विषय है जिसके बारे में मुझे लिखना है। तो जो दूसरा चरण होता है वो आप लिखना शुरू करिए। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक रैपिड फायर गन की तरह होता है, आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो बातें आती हैं वो एक जैसी नहीं आती हैं, वो टुकड़े टुकड़ों में आता है, एक स्पार्क बोल सकते हैं, जैसे एनर्जी का स्पार्क रहता है, अभी कोई बात आई याद आई फिर 2 मिनट बाद उसके बारे में और याद आया। तो आप सबको पहली बात जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सेलेक्ट करें। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बच्चों का मैं देखता हूं कि उनको लगता है कि उनका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ आ गया है सवाल, तो आपने पहले मिनट से लिखना शुरू करते हैं और 3रे घंटे के आखिरी बेल बजने तक लिखते रहते हैं और उनको याद, उनको ऐसा लगता है कि कोई रटी रटाई चीज आ गई उसको लिख देना, ऐसा नहीं करना। आपको टॉपिक को पढ़ना है, अगर टॉपिक आपको पढ़ा हुआ भी है तो आप पहले 5-10 मिनट तो आपने टॉपिक सिलेक्शन में लगा दिए, आप आधे घंटे से 40 मिनट तक, 30 से 40 मिनट तक आप निकालिए और आपके उस टॉपिक के बारे में जो भी आपको याद आ रहा है, जो आपका एसए का क्वेश्चन पेपर है उसके सबसे आखिरी 2-3 पन्नों को ले लीजिए या आप एग्जामिनेशन रूम में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा आंसर शीट मांग लीजिए, उसमें आप कुछ भी लिखिए। जैसे अगर आपका महिला वुमेन एम्पावरमेंट पे आता है तो आपके बारे में कुछ थॉट्स होंगे, 5 मिनट बाद कुछ और याद आएगा,
उसके 5 मिनट बाद कुछ और याद आएगा, तो ऐसे आपके 3-4 पन्ने आपके उन थॉट से भर जाएंगे। जब आप 40 मिनट लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा यार बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हैं, जिसमें करंट वाली बातें भी हैं, उसमें कोई हमारे हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, आज की स्थिति में क्या है, महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। वहीं पे कई बार देखेंगे कहीं कुछ जगहों पे आपका जेंडर रेशियो ऊपर है कम है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं केरला जैसे जिन्होंने इसमें मिसाल हासिल की है, हमारे कई क्षेत्रों में महिलाएं आगे हैं, कई क्षेत्रों में नहीं आगे हैं, साल में कई बार ऐसे क्राइम अगेंस्ट वेमेन के कुछ आंकड़े आते हैं, तो अब बहुत सारी चीजें आपके बास्केट में आ जाएंगी। तो आपने लिख लिया है, फिर आपके सामने एक चुनौती आएगी कि आपका 1 घंटा खत्म हो गया, आपके 2 घंटे बचे हैं, तो आपको 10 मिनट और निकालना है, और 10 मिनट में ये डिसाइड करना है कि इन टॉपिक्स को मैं अरेंज कैसे करूं। जैसे आप कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो कहानी का प्रारंभ होता है, कहानी का समापन होता है, कहानी में धीरे धीरे एक रफ्तार पकड़ती है, एंड में आपकी बातें आती हैं, उसी प्रकार की बातें आपके एस्से में भी आनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपको 200 नंबर इस बात के दे रहा है कि आप एक टॉपिक पे ऐसे लिखें, तो वो बात अच्छी आनी चाहिए। उस विषय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां से अपनी बात शुरू होनी चाहिए, ऐसे का इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। आप सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन एंड डिसाइड कर लें कि आप किस नोड पे एंड करना चाहते हैं। आपके कई नोड हो सकते हैं, आपका ये हो सकता है कि भाई महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे देश को बहुत कुछ करने की जरूरत है, उसको अच्छे शब्दों में कैसे बनाएं। एक ये हो सकता है कि अभी हमारे कुछ आयामों में कुछ बहुत आगे हैं, महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, और ये वो समय है कि जो महिलाओं का ही सदी रहेगी। आप एक में ये भी कह सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक है, चीजों में बहुत कमी है, हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और अभी तो ये शुरुआत है और ये शुरुआत बहुत आगे जानी है, इस नोट पे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी प्रश्नवाचक एंड पे शुरुआत कर सकते हैं। आपकी जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो आपको लिख लेना चाहिए पहले ही कि आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे। जब आपने दो धीरे पकड़ लिए तो फिर आपको कहानी लिखना आसान है, आपको पता है स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है। फिर आप उन टॉपिक्स को मन में सोचिए किन टुकड़ों में करना है। भाई आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि भाई महिलाओं के बारे में जो आया है उस टॉपिक को आपने लिख दिया, फिर आप देखेंगे हमारे हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे थिंकर्स ने क्या बोला है, महिलाएं किस क्षेत्र में आगे हैं, किसमें पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में कैसे हैं, कल्चरली उनका क्या योगदान है, अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है, उसका सोसाइटल रीजन क्या है, अभी कई ऐसी क्या टेक्नोलॉजी के आने से क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है कम हुआ है। मैं आपको विमेन वाला टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, ये सभी टॉपिक आपको पता होंगे तो आपको समझना आसान होगा। पिछले 1 साल में आपने एडिटोरियल पढ़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको अखबार बताया, उसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो आएंगी, आपको हर लिखना पड़ेगा कि आपका जो अभी प्रेजेंट टॉपिक है, कोविड जैसी स्थिति में भी कई जगह महिलाओं ने बहुत सराहनीय काम किया है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का बहुत सक्रिय योगदान है, हमारी महिलाओं का स्पोर्ट्स में बहुत है, कई स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल केवल महिलाओं के कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण मिले हैं। तो ये सभी बातों में आपको ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको एक स्टार्ट और एक एंड मिल जाएगा। आपके जो थॉट्स हैं उनको बंच बना लीजिए, बंडल बना लीजिए, तो आपका 10 मिनट इसमें चला जाएगा। जब आपका इतना रेडी हो गया तो आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपका रेडी है, फिर आप एक सिरे से लिखें और एंड तक पहुंच जाए। आप ऐसा लिखेंगे तो क्या फायदा होगा इसमें, आपकी जो नॉलेज थी आपने 1 घंटा चूंकि उसके बारे में विचार किया तो आपने व्यवस्थित लिख दिया, आपकी आपका जो स्टार्ट है वो आपको पता है, आपका एंड पता है, आपके शब्द लॉजिकल है, आपकी आपका आप जो लिख रहे हैं उसमें एक फ्लो है, जो आप बात कहना चाहते हो वो बात आप कह पा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत की कि आप एग्जाम से निकले हो कहें कि 2 बातें तो मेरी छूट गई, ऐसा नहीं होगा। आपने साल भर में जो अखबार में जो पढ़ा है, जो नोट्स बनाए थे जैसा मैंने बताया था, वो चीजें आपको ध्यान में है, करंट इश्यूज में कोई बात आ रही है वो आपके आ गए हैं, अगर आपने GS जनरल स्टडीज में पढ़ा है तो वो बात आपकी आ गई है। तो आपने ऐसे में आपने बोला है कि आपने गागर में सागर भर दिया, एक बोलते हैं ना अपने लोग गागर में सागर भरना, गागर में सागर मतलब क्या है कि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड आपके पास जगह है, लेकिन आपने एग्जामिनर को ये दिखा दिया कि आपने 2-3 घंटे में भी आप एक शानदार लेख लिख सकते हैं और उस लेख से आपके बारे में आंका जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको एवरेज से ज्यादा नंबर तो आएंगे, एवरेज से ज्यादा आएंगे, और अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो वन ऑफ द टॉपर्स में आपके एस्से के मार्क्स रहेंगे। ये जो एस्से है बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्से आपको बूस्टअप करता है। कई बार आपको मालूम पड़ा कि आपके किसी कारणवश आपका कोई एग्जाम में किसी पेपर में आपका 10 नंबर का छूट गया, या आपको कोई चीज आते आते आप नहीं लिख पाए, या कई अन्य कारण हो सकते हैं, तो ऐसे आपका एक सेफ गार्ड करता है आपके इंटरेस्ट को। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने आज ऐसे के बारे में बताया है, अगर आप इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर आएंगे और आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, और एक राइटिंग स्किल का एक पार्ट है। आप जैसा लिखते हैं वो लिखना ही आपके एग्जाम में जा रहा है। अगर आप व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो आपको निसंदेह आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे,
और आप एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करेंगे। आज के वीडियो में आपको कोई बातें ऐसी लगती हैं कि आपको और पूछना हो, डिटेल में पूछना हो, तो वो बातें भी मैं उत्तर करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी इसी रफ्तार से पढ़ाई करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।